जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका आपका दोस्त रिज़ो, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रेस पे। जैसा कि आपको बता, जुम्मे का दिन आ रहा है, इधर गाड़ियों के जुम्मा बाजार में आ गया। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, यहां पर माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा में गाड़ियां आ चुकी हैं, तो अभी और भी गाड़ियां आनी हैं। तो इधर खुर्रम साहब हर जुम्मे की तरह हमें मिल गए हैं। आपको पता है बड़ी इंटीक किस्म की अपनी गाड़ियाँ लेकर आते हैं, तो आज आपको इन गाड़ियाँ दिखाते हैं और क्या डिमांड कर रहे हैं वो भी बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं खुर्रम भाई? अल्लाह का शुक्र ठीक खैरियत। तो खुर्रम भाई, आज कौन कौन सी गाड़ियाँ लेकर? आज मैं ये लेके आया हूँ 2011 मॉडल करोला GLI है। फर्स्ट रनर है, पहले सेकेंड रनर मैं हूँ, मेरे अपने नाम पे 90,000 गाड़ी चली हुई है। गाड़ी पे एक आधा पीस टच है, एक माडी गार्ड और एक दरवाजा शावर है, विदाउट पटीन। महसूस नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं बंदों को बता रहा हूँ। 11 मॉडल है, ब्रांड न्यू है, 90,000 मीटर है इसका ओरिजिनल, मीटर की गारंटी है। रूम इसका ऐसे है जैसे ब्रांड न्यू गाड़ी है। इंजन कंप्रेसर अपना है, डनलोप के जापानी टायर लगे हुए हैं, एंड्राइड टीवी है, दोनों चाबियां हैं। गाड़ी पेट्रोल चली हुई है, डिग्गी रूम देखे ऐसे समझे 22 मॉडल है, ब्रांड न्यू गाड़ी है। उन्होंने शर्त रखी है कि आपको गाड़ी हम देंगे, आपने अपने नाम करवानी है तो घर से निकालनी है। मैं अपने नाम पे करवा के घर से लेके आया हूँ। आपके नाम पे जी? मेरे नाम पे। सेकंड रनर मैं हूँ, फर्स्ट रनर वो है, ठीक है। और ब्रांड गाड़ी है, 11 मॉडल, ऐसी कंडीशन की गाड़ी आप ढूंढ के दिखाई नहीं मिलेगी। फोग लैंप भी लगे हुए हैं इसमें, कोई ऐसा बात ही नहीं है कि बंदा कोई बताए। एक आधा स्क्रैच है, कोई कलम लगी हुई है, एक ये लगी हुई है भाईजान, और एक ये माडी गार्ड पे, और एक इतनी डिग्गी पे है। बाकी बिल्कुल ब्रांड गाड़ी है। रूम देखे, मीटर बरस नहीं हुआ इसका, जो है ना मीटर 90,000 माइलेज है और ओरिजिनल है। सीट कवर इसके देख लें, इसका छत देख लें, रूम देख लें, स्टेयरिंग देख लें, डैशबोर्ड का पैड सबसे पहले खराब होता है इन मॉडल में, ऐसा कुछ नहीं है। 11 मॉडल है, अपनी स्मेल में है, शोरूम की जो स्मेल है उसमें है। डिग्गी भी दिखाते हैं, इसका इंजन भी दिखाते हैं, ऐसी गाड़ी नहीं मिलेगी। रूम की भी तस्वीरें हैं, नीचे की वीडियो भी है, सर्विस करवाई है, नीचे से भी ब्रांड न्यू गाड़ी है। इंजन रूम भी जी, जी मैं इंजन रूम आपको दिखाता हूँ। दोनों चाबियां भी हैं इसकी, जबरदस्त। और ये आप दिखाएं जी, इसके ऊपर जो कलर लगे हुए हैं मैंने कोई नहीं लगाए, जो कंपनी के लगे हुए हैं वो ही हैं। ये कंप्रेसर दिखाओ भाई, ये चीज होती है, ये ओरिजिनल है, अपना पहला कंप्रेसर है, ये लो माइलेज की निशानी होती है। बोतल का कलर देख ले, बंदे नहीं डाल देते हैं या कूलेंट डाल देते हैं, जो है अपना पानी। हम कंपनी की तरफ से, हमारे में ये आदत ही नहीं है कि कोई इसमें अल्टरेशन करे या कोई फेक चीज करे। ये देखे ना, जो कलर लगे हुए हैं कंपनी के लगे हुए हैं निशान, मैंने नहीं कुछ भी लगाया हुआ इस बात की। हारन भी इसके अपने ओरिजिनल है, अभी तक हारन भी इसके ओरिजिनल है। एवरेज इसकी 17-18 है, अभी मैं आया हूँ। तो गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है, जिसने वैगनार लेनी है, आल्टो लेनी है, तो वो ये गाड़ी ले। और GLI मजा है फैमिली। कारपेट भी देखे ना अली रजा भाई, अपने कैमरा मैन को दिखाए कि इसके ऊपर आज तक फर्शी नहीं चली। कारपेट भी इसका देख ले, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, कोई मतलब होता है, खुली ही नहीं गाड़ी। आपको स्मेल आ रही है, आप बता सकते हैं, स्मेल भी आपको आ रही है गाड़ियों में, केयर के साथ रखा हुआ है, और बिल्कुल ब्रांड गाड़ी है। छत इसका देख ले, कोई ऐसे मसले ही नहीं है, ब्रांड न्यू गाड़ी को सलफ लगाना है। इसकी पेट्रोल स्पेयर व्हील एक दफा यूज हुआ हुआ है और पेट्रोल चली हुई है। ये देखे ना, ये दिखाएं, कोई कलर नहीं, ऐसे घिस जाता है चल चल के, जो ज्यादा गाड़ियां चली होती है, लो माइलेज की निशानी ये भी है। ये देखे ना, ये कलर इसका देख ले, बिल्कुल नई है लुक। पीछे से भी गाड़ी देख ले, एक ये भी कलम लगी हुई है, ये भी दिखा दें। बस क्या डिमांड करें इसकी? डिमांड 27-27 लाख है। हाँ जी, दोनों चाबी कितने की हो जाएगी? फाइनल 27 लाख की हो जाएगी, बस इससे कमी बेशी नहीं होगी। गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है, आपके सामने कहीं भी जंग नहीं है, डस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नई गाड़ी है। 11, 12, 13, 14 की एक ही शेप है, और इस्लामाबाद का नंबर है, पता ही नहीं है 11 है 12 है, खड़ी हुई कोई नंबर नहीं ऊपर आता, ठीक है। तो नई गाड़ी है, 27-27 लाख डिमांड है। जापानी जो थी हमारी, ये जापानी है, 14-17 है, स्पाइडर शेप में है, इको आइडियल वाली है, ये फुल ऑप्शन है, और स्टेयरिंग भी मल्टीमीडिया है, टीवी भी लगा हुआ है, और लायर रिम टायर इसको जो लगे हुए हैं ना, बहुत एक्सपेंसिव लगे हुए हैं टायर इसको, योकोहामा के, और लायर रिम इसके 1 लाख रुपए के लायर रिम है, पर्ल ब्लैक कलर है। रूम की ये भी ब्रांड न्यू गाड़ी है। आपको पता है, मैं जो गाड़ी लेके आता हूँ मुझे अच्छी गाड़ी पसंद आती है, मैं गंदी गाड़ी नहीं लेके आता। सही है, टाइम लगा लेना, लेकिन गाड़ी अच्छी लेकर आना, अच्छी लेके आते हैं। इस पे कोई स्क्रैच नहीं है, एक डोर पेंट है, एक आधा कोई ये ब्लैक कलर पे वैसे ही नजर आते हैं, स्क्रैच है, कोई डेंट शेंट भी नहीं है, गाड़ी नई गाड़ी है, ठीक है। रूम भी देख ले, अपना कैमरा मैन दिखाए, डैशबोर्ड, सीट्स कवर इसके भी मैट ओरिजिनल है। इसका इंजन रूम भी दिखाते हैं, स्पेयर व्हील भी दिखाते हैं, कोई भी ऐसा
मसला ही नहीं किसी किस्म का गाड़ी में, वो तो मैं आपको पहले बताता हूँ। ऐसा ही है, तो क्रूज कंट्रोल भी है जी, इसका मीटर भी जो है ना डिजिटल मीटर है, और या जो फुल ऑप्शन यारस में है ना वो मीटर है इसका ओरिजिनल है, कोई वो नहीं लगा हुआ बिट्स में, ये बहुत नयाब चीज है। जो डोर खोलते हैं ग्रैंडी की तरह उसी का साइन आता है, वो ही आता है ठीक है। और कहीं भी आप सिग्नल पे रुकते हैं तो ब्रेक पे पांव रखते हैं ये बंद हो जाता है इंजन, फिर खुद ही ब्रेक पे पांव उठाते हैं स्टार्ट हो जाता है। इको आइडियल स्टॉप कहते हैं इस फंक्शन को। 1000 सीसी है, 14 मॉडल है, 17 की इंपोर्ट, 17 की रजिस्टर है, और पर्ल ब्लैक कलर है। मीटर की भी आपको बाद में फिर मैं अभी दिखाता हूँ वीडियो, ठीक है। ये फीचर हर बिट्स में नहीं है, देखें इसका कलर देखें, कूलेंट भी अपना है, गाड़ी ब्रांड न्यू है, कोई ऐसे इसमें भी कोई इंजन ऑयल नहीं काम करता, ड्राइवर का खर्चा नहीं करवाना, कोई खर्चा नहीं, दोनों गाड़ियों पे कोई 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। ये आपको पता है होता है तो हम बता देते हैं, हमें ये आदत ही नहीं है कि बंदा गलत बात बताता रहे। पर ब्लैक है और बड़ी यूनिक सी गाड़ी है ये, इस ये फीचर इको आइडियल वाला बहुत कम है बिट्स में, ऐसा ही सुना होगा ठीक है। ये इधर आए जी, आपका कैमरा मैन आए, मीटर की देखें, वो डोर खुला हुआ है, मीटर के पे गाड़ी आई है, मैं पिछला डोर खोलता हूँ वो भी साइन आ जाएगा ठीक है। ये इसमें फीचर है, ये बहुत कम गाड़ियों में है, ये गाड़ी है ब्रांड न्यू गाड़ी है। तो अपना नंबर की इसकी प्राइस है 31.5 लाख, 14-17 है, और मेरा नंबर है 0345-6566-406, 0345-6566-406। बहुत शुक्रिया जी ठीक है। नाजरीन ये हमारे खुर्रम भाई गाड़ियाँ लेकर आए थे, दो हमने आपको गाड़ियों का रिव्यू करवा दिया, अगर भाई इंटरेस्ट रखता है तो रब्ता कर सकता है। इधर हमारे पास और भी गाड़ियाँ मौजूद हैं, तो आ जाए वो गाड़ियाँ भी दिखाते हैं और क्या क्या डिमांड है। तो सबसे पहले इधर हमारे पास 1XLi भी मौजूद है, तो शायद भाई अभी अभी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वो भाई इधर आप बिजी हैं, तो इधर हमारे पास और हैं वो भी साथ साथ दिखाते चलते हैं। तो ये हमारे पास इधर एक टोटा करोला GLi है, ये सेल होने के लिए 2015 का मॉडल है, बाकी आज की फ्रंट से लुक वगैरह चेक करते हैं। ये टेपिंग वगैरह इन्होंने करवाई हुई है, जो कि गाड़ी को फ्रंट से बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। और डिमांड जो इस गाड़ी की इस वक्त इधर की जा रही है तकरीबन 30,50,000 रुपये है, बाकी टायर की कंडीशन वगैरह चेक कर सकते हैं, अलॉय व्हील भी मौजूद है, तो भाई मौजूद है तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है सर अपना? हाजी मुस्ताफ जी। तो हाजी साहब गुजरांवाला कहीं है? वजीराबाद से आए हैं। सही, तो कौन सी गाड़ी लेकर आए हैं? ये GLi गाड़ी है 15 मॉडल। तो कब से यूज कर रहे हैं इस गाड़ी को? ये तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल, सही। तो मैकेनिकली बिल्कुल ओके है? ओके है। तो बॉडी वाइज कितनी जेन्युइन है? बॉडी वाइज माशाल्लाह ठीक है सारी गाड़ी, मतलब 80% जेन्युइन है। जबरदस्त। तो क्या माइलेज चली कितनी हुई है? चली तकरीबन 2 लाख। 2 लाख, सही। तो डिमांड 30-50 कर रहे हैं जी। तो फाइनल माइंड कहाँ तक है? बोलेगा मैं कमी बेशी हो जाएगी, ये नहीं है कि ये फाइनल है। तो हमारे उन्होंने कोई बंदा है रेट वगैरह लगा गया आपकी गाड़ी का? अभी तो हम अभी आए हैं, मतलब आज लेट हो गए हैं। हाँ, सही। तो अपना भी कॉन्टैक्ट नंबर हम शेयर करते हैं, अगर भाई इंटरेस्ट रखता हो तो आप रब्ता कर सके। 0345-6878-714 नंबर है टेलनर का। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन अगर भाई इंटरेस्ट रखता है तो रब्ता कर सर आपकी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कौन सी गाड़ी लेकर आए हैं? XLi 2006 मॉडल। जबरदस्त। तो बॉडी वाइज कितनी जानवर है? शावर है? हाँ जी। सही। तो डिमांड क्या कर रहे हैं 6 मॉडल? 13 लाख रुपए। तो मार्केट में आगे भी आते रहते हैं? पहली दफ़ा ही आए हैं? दूसरी दफ़ा आए हैं। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? कोई बंदे वगैरह आ रहे हैं? क्योंकि ज़रा रेट काफ़ी ज़्यादा मार्केट में आप देख ही रहे होंगे गाड़ियों के। जो बंदा सेल करने आता है वो कह रहा है मैं जब दोबारा परचेज करने के लिए आता हूँ तो जिस रेट पर मैंने खुद सेल की होती है मुझे उस रेट पर भी वो मेरी वाली गाड़ी नहीं मिल रही होती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपका माइंड फाइनल कहाँ तक है? कि मैं 12:30 तक हूँ। 12:30 इससे नीचे नहीं? हाँ। सही। तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमसे शेयर कर दें। 0306-75-63-63-4। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। जी नाजी हमारे पास 2006 मॉडल XLi है, तो अगर भाई इंटरेस्ट रखता है तो रब्ता कर सकता है। तो इधर अब हमारे पास ये एक पासो आई हुई है, जैपनीज गाड़ी है, तो आ जाए भाई भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई अपना? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई कौन सी गाड़ी लेकर आए हैं? पासो। जबरदस्त। कौन सा मॉडल है ये? 7/13। तो कब से यूज कर रहे हैं इस गाड़ी को? 3 माह हो गए। तो बड़ी बात कितनी जेन्युइन है गाड़ी? 6 जेन्युइन है भाई। भाई मौजूद है, भाई से पूछ लेते हैं। ओपन कीजिए कैसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? शुक्र अल्लाह। तो जरा बताएं जिस हिसाब से पेट्रोल के रेट जा रहे हैं, जापानी गाड़ियों के लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं अब तो जरा इसके बारे में बताएं हमें। भाई इसके बारे में क्या बताना है, ये 1000 सीसी गाड़ी है ठीक,
तो बाकी गाड़ियों की एवरेज हिसाब से इसकी पेट्रोल की एवरेज अच्छी है। सिटी में कितना इनका आ रही है? सिटी में तकरीबन 15-16 घर जाती है आराम से। जबरदस्त। और चली कितनी है, माइलेज कितनी है इसकी? इसकी माइलेज मेरे ख्याल से 1,65,000 है। सही। और बॉडी वाइज कितनी जानवाना है? 6 जानवाना साइडों से साइडों में है। तो क्या डिमांड करनी है आप इस गाड़ी? 17,00,000। 17। तो मार्केट में कोई बंदा है रेट वगैरह लगा के आपकी गाड़ी क्या क्या रेट लगेगा? 16,50,000 लगा पर मैंने नहीं सेल की। तो अच्छा नहीं था ये रेट वैसे? 16,80,000 की देनी है मैंने। 16,80,000 फाइनल माइंड यहाँ तक है। सही। तो अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर हमसे शेयर कर दें। 0324-42,00,297। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। जी नाजरीन, ये हमारे पास 500 आई हुई है, बहुत ही प्यारे कलर में है और टायर की कंडीशन भी बेहतर है। अलॉय व्हील नहीं, सिंपल व्हील का है। अगर कोई भाई इस गाड़ी में इंटरेस्ट रखता है तो नंबर आपके साथ शेयर कर दिया गया। जस्ट फ्रंट की स्क्रीन में एक क्रैक है, बाकी बॉडी नीट है। तो अब हमें ज़्यादा देर मिलते हैं आप साथ अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।